जो ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो ना बदले उसे ईमान कहते हैं, जो ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, जो ना बदले उसे ईमान कहते हैं। जिंदगी मुश्किलों में भले ही बीत जाए, जिंदगी मुश्किलों में भले ही बीत जाए, पर जो नहीं झुकता उसे इंसान कहते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 जैक बोर्ड का ही है, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं बना चुका हूँ, वीडियो देख सकते हैं आप पिछले वीडियो में। आज 6 क्वेश्चन नंबर 6 से चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हम लोगों को दिखाना है एंगल ए बराबर एंगल बी। चलिए फिगर बनाते हैं पहले। ये राइट एंगल हो गया, 90 डिग्री समकोण त्रिभुज, और ए और बी में समकोण है, तो अगर हम यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखेंगे, तो यहाँ सी में समकोण होगा, ठीक है, क्योंकि न्यूनकोण ए और बी है तो सी समकोण होगा, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए तथा बी समको न्यूनकोण है, क्या है न्यूनकोण, जो 90 डिग्री से कम होता है न्यूनकोण है, तथा एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री समकोण है, ठीक है। दिया है कॉस ए बाय कॉस बी, दोनों बराबर है, कॉस ए और कॉस बी क्या है बराबर है, तो कॉस ए का क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए कॉस ए यानी कि ये पी है, ये बी है और ये एच है, तो ए सी या सी ए, सी ए बाय ए बी, सी ए बाय ए बी, और कॉस बी का क्या होगा, देखिए ये अगर बी है समकोण में है, तो यहाँ जो है आपका ये पी हो गया, तो ये बी हो जाएगा, बी सी बाय ए बी, सी ए बराबर बी सी बाई ए बी, और ये ए बी ऊपर ले आते हैं, ठीक है, आप चाहेंगे तो नीचे भी, नीचे भी काट सकते हैं, ये कट गया, तो सी ए बराबर बी सी आ गया, ठीक है, सी ए बराबर बी सी, सी ए बराबर बी सी, तो इसका सामने वाला कोण सी ए का, इसलिए कोण बी बराबर बी सी के सामने कोण ए, एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर हो गया, प्रूव्ड हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना, और उधर कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो इसको पहले याद कॉट थीटा है ना, देखिए इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इस टाइप से बना दें बेस्ट रहेगा। देखिए नंबर 1 में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए 1 माइनस साइन, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला में आ गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख देते हैं, 7/8 का स्क्वायर यानी कि 49/8 = 64, आप इसको इस टाइप से डायरेक्ट बना सकते हैं। और एक तरीका है जिसमें आप कॉट थीटा का वैल्यू जो है निकालेंगे पी बी और एच करके, जो है ना उस टाइप से बना सकते हैं, ये बेस्ट है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। 2 के लिए चलते हैं, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो आ चुका है, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का वैल्यू दिया 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर लिख दे, 7 × 49/64, ये हो गया आंसर, स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। क्वेश्चन नंबर 8, यदि कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 − tan² / 1 + tan² = cos² - sin² है या नहीं, ठीक है। तो पहले हम लोग कॉट ए इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, ठीक है, अब देखिए फिगर अगर बनाते हैं, ए यहाँ देंगे, बी यहाँ, सी बी यहाँ पे देते हैं, पेस्ट होगा,
सी, ठीक है, कॉट ए साइन कॉस टेन कॉस एक्स ए कॉट, कॉट ए मतलब यहाँ 4k बाय यहाँ k हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ए बी बाय बी सी, फिगर के हिसाब से हम लोगों को निकालना क्या सी ए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सी ए स्क्वायर वैल्यू कितना है ए बी का, 4k होल स्क्वायर प्लस k का होल स्क्वायर, यानी कि सी ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4 4 16 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी कि 17 k² सी ए इक्वल टू आ गया 17 k² रूट में आ गया, ठीक है, सी ए इक्वल टू आ गया रूट अंडर 17 k, ये आ गया सी ए का वैल्यू, ठीक है। अभी हम लोग को क्या निकालना है, देखिए सब पहले अलग अलग निकाल लेते हैं, सबसे बेस्ट होगा टेन टेन का निकालना है, टेन स्क्वायर का निकालना है, कॉस स्क्वायर का निकालना, ठीक है। देखिए जो वैल्यू था सी ए का निकला, सी ए का जो निकला वो यहाँ रख देते हैं रूट अंडर 17 k, ठीक है। अब टेन स्क्वायर ए निकाल लेते हैं, पहले टेन स्क्वायर ए इक्वल टू देखिए क्या होगा, टेन यानी कि बी सी बाय ए बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बी सी का वैल्यू कितना है के बाय 4 k का होल स्क्वायर, के स्क्वायर बाय 4 k², कोई के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16 1/16 हो गया टेन स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा ए बी बाय सी ए का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ए बी का वैल्यू कितना 4 k² और सी ए का वैल्यू है रूट अंडर 17 k² ऊपर लगेगा, ठीक है, 4 4 16 k² बाय 17 k² या के स्क्वायर कैंसिल हो, 17 रूट से निकल जाएगा, साइन का वैल्यू भी निकालना होगा, साइन का वैल्यू हो जाएगा बी सी बाय सी ए का होल स्क्वायर, बी सी का वैल्यू कितना है बी सी के बाय सी ए, सी ए का वैल्यू कितना है रूट अंडर 17 k, रूट अंडर 17 k का होल स्क्वायर हो गया, तो के स्क्वायर बाय रूट अंडर 17 हट गया, 17 निकल गया 1/17, ये आ गया 16/17, ये आ गया स्क्रीन शॉट ले ले इसका। अब देखिए वैल्यू जो है इसको रख देते हैं पहले 1 -10² a, 1 -10² a बाय 1 + 10² a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 - 10 का वैल्यू कितना है, 10 का वैल्यू है 1/16, 1/16 बाय 1 + 1/16, कॉस का क्या वैल्यू आया था, कॉस का आया था 16/17 माइनस साइन का वैल्यू 1/17, 16 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ 16 + 1 होगा बाय 16, ये 16 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 16 - 1 यहाँ आ जाएगा 15/17, यहाँ भी आपका 15/17 आ जाएगा, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हाँ लिख सकते हैं आप, हाँ जो क्वेश्चन है उसको एक बार रिपीट करके यहाँ लिख दीजिए, 1 - 10² बाय 1 + 10² बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बराबर है, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले ली इसका। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, चलिए B समकोण है यानी कि हम लोग B यहाँ लिख देंगे और ये A यहाँ लिख सकते हैं और C यहाँ, इसका जगह चेंज होगा लेकिन B समकोण में ही रहेगा, यहाँ पर रहेगा, ठीक है। टेन ए बराबर 1/√3, ठीक है, टेन ए बराबर 1/√3, माना ए बी सी समकोण त्रिभुज है, इसको आप हर बार लिखें तो अच्छा रहेगा, समकोण त्रिभुज है,
जिसमें बी सम कोण है, इसको लिख सकते हैं, जिसमें बी समकोण है। तो देखिए क्या है, टेन ए बराबर दिया हुआ, टेन ए इक्वल टू कितना दिया, 1/√3, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको BC बाय AB, इसका वैल्यू रख देते हैं, इसका क्या हो जाए, BC का K और AB का √3K। देखिए A है तो इसका सामने वाला P हो जाएगा, इसी हिसाब से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो BC अगर हम लोग यहाँ A लिखते हैं नहीं है, C लिखते हैं, तो K यहाँ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टेन ए बराबर 1/√3, तो BC और AB का वैल्यू हम लोग का पता चल गया। CA बराबर पाइथागोरस प्रमेय से, CA स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BC का वैल्यू कितना है, K का स्क्वायर प्लस √3K का होल स्क्वायर, K का स्क्वायर प्लस √3 का 3 हो जाएगा, 3K स्क्वायर, 4K स्क्वायर हो गया। CA इक्वल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, तो CA बराबर क्या हो जाएगा, रूट में चढ़ जाएगा, यहाँ इम्प्लाइज डेट देते चलेंगे, ठीक है। CA इक्वल टू आ गया 2K। अब हम लोग इसमें 2K लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि ये मिटाना पड़ेगा। आपका साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, इसका वैल्यू निकालते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें, पहले साइन ए निकालते हैं, साइन ए और कॉस ए, देखिए साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। ये साइन ए है तो ये P है, ये B है और ये H है, यानी कि साइन ए में BC बाय CA हो जाएगा। BC कितना है, K बाय 2K, K कैंसिल हो गया, 1/2 हो गया साइन ए। कॉस ए का क्या होगा, AB बाय CA, यानी कि √3K बाय 2K, K कैंसिल होगा, √3/2 आ गया। ये साइन ए और कॉस ए, साथ में आप साइन सी और कॉस सी निकालेंगे। ध्यान दीजिए इसमें कॉस सी, साइन सी बोल रहे हैं तो सी इसके वाला सामने वाला पी हो गया, तो ए बी बाय सी ए, ए बी बाय सी ए, और कॉस सी यानी कि ये तो पी है तो ये बी होगा, बी सी बाय सी ए। वैल्यू पुट करते हैं, ए बी का वैल्यू कितना है, √3K/2K, √3/2। बी सी का वैल्यू कितना है, K बाय 2K, के कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ गया वैल्यू। अब हम लोग नंबर वन का निकालते हैं, पहले साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन सी, साइन ए का वैल्यू रखते हैं 1/2, कॉस सी का 1/2, कॉस ए का √3/2, साइन सी का √3/2। देखिए 1/4 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ भी 3/4 होगा, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, 1+3 4/4, 1 आ गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले ले। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, कॉस ए √3/2 इंटू कॉस सी 1/2, साइन ए 1/2 साइन सी √3/2, √3/4 माइनस √3/4, 0 हो जाएगा, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, सपोज कर लीजिए कि ये क्यू है, समकोण डिग्री यहाँ पर बनाना है, पी ज़्यादातर देखिए टेन पी है, कॉस पी है, तो हम लोग पी यहाँ रख देते हैं, ठीक है, पी क्यू आर, ठीक है। माना समकोण त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है,
दिया है, क्या क्या दिया है देखिए, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सब दिया हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय से पी आर का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, सॉरी, पी आर स्क्वायर प्लस इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी आर का वैल्यू तो पता नहीं है, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर। अब वैल्यू रखते हैं, देखिए पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बार क्या लिख सकते हैं, पी आर माइनस प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर, इसका लिख सकते हैं हम लोग वैल्यू। और इधर पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। अब देखिए इसमें वैल्यू जो है, पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू तो पता है हम लोग 25 लिख सकते हैं, 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू यहाँ 5 5 जो 25 हो गया, पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 बाई 25 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, यानी कि पी आर वैल्यू का वैल्यू हम लोग को पता चल गया 1, पी आर माइनस क्यू आर का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब देखिए इसमें से अगर हम लोग इसको घटाएंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, ठीक है, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर क्या आता है देखते हैं, समीकरण 1 में, या फिर समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर प्लस पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू देखिए क्या होगा, 25 प्लस 1 देखिए, ये क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, 2 पी आर इक्वल टू आ जाएगा 26, यानी पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26 बाई 2, 13 आ गया, कितना आ गया 13, देखिए पी आर का वैल्यू निकल गया, पी क्यू का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू अगर हम लोग इसमें पुट करेंगे तो फिर हम लोगों का क्यू आर का वैल्यू भी निकल जाएगा, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लें इसका, पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर पी आर का कितना वैल्यू था, 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 13, क्यू आर का वैल्यू कितना आया, 12, ठीक है। अब हम लोग आसानी से साइन पी कॉस पी ये सब निकाल सकते हैं, हम लोग का तीनों चीज़ आ चुका है, तो इसको हम लोग एक बार इसमें फिल कर देते हैं ताकि सुविधा हो, ठीक है। पी क्यू का 5 सेंटीमीटर था, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर, ठीक है, वैल्यू रख दिए। चलिए वैल्यू सब रखते हैं, साइन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर बाई पी आर, पी आर क्यू आर का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर बाई 13 सेंटीमीटर, 12 बाई 13 हो गया इसका आंसर। साइन पी का कॉस पी पी क्यू बाई पी आर 5 सेंटीमीटर बाई 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 5 बाई 13, 10 पी इक्वल टू देखिए क्या होगा, पी आर ई पी क्यू यानी क्यू आर बाई पी क्यू वैल्यू कर पुट करते हैं, 12 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 12 बाई 5, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ लिखे हुए हैं, क्वेश्चन जो है इसमें असत्य या सत्य बताना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, टैन ए का मान सदैव एक से कम होता है, टैन ए का मान जैसे टैन ये पी बाई बी होता है, पी बाई बी के रूप में होता है, तो पी का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा और बी का वैल्यू अगर कम होगा तो एक से ज़्यादा होगा, तो एक से कम होने का सवाल नहीं है, इसलिए ये असत्य है, ठीक है।
अगर पी का वैल्यू कम होगा तभी होगा कम एक से, अगर पी का वैल्यू ज़्यादा होगा बी से तो पॉसिबल नहीं है कि वो एक से कम होगा, तो इसलिए असत्य हो गया इसका आंसर। ठीक है, कौन एक किसी मान के लिए सेक ए, सेक ए इक्वल टू 12/5। देखिए सेक मतलब क्या होता है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, सेक मतलब एच बाय, सेक थीटा मतलब क्या होता है एच बाय बी, तो एच हमेशा बड़ा होता है, एच हमेशा बड़ा होता है, तो ये 12/5 पॉसिबल है, सत्य होगा। अगर यहीं पर ही उल्टा लिखता 5/12 तो नहीं होता। ठीक है, कंफर्म। कॉस ए को कौन ए के कोसेकेंट, कोसिकेंट देखिए कॉस ए का कोसाइन होता है, कोसिकेंट कोसेक का होता है, कोसेकेंट के लिए होता है कोसिकेंट, तो ये कॉस ए का कोसाइन होता है, ये रॉन्ग है, असत्य असत्य। ठीक है, कॉट ए इक्वल को कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं कभी ये गुणनफल के रूप में नहीं होता है, ये असत्य है, क्या है असत्य। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, देखिए साइन थीटा मतलब क्या होता है, साइन थीटा बराबर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाय एच, एच हमेशा बड़ा मतलब नीचे में बड़ा होना चाहिए, यहां देखिए नीचे में छोटा दे दिया ऊपर में बड़ा दे दिया 4/3, ये असत्य हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के साथ ही ये चैप्टर 8.1 कंप्लीट हो चुका है। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।